हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज बिष्टू। आप लोग द मॉन्स्टर फिश वर्ल्ड। आज बात करने वाले शिपिंग को लेके। फिशेस मेरा लोकेशन से आपका लोकेशन कैसे जाएगा, आप कैसे उसको परचेज कीजिएगा, यहाँ पे पैकिंग वगैरह कैसे होता है, कैसे नहीं होता है, कौन सा फिश आपको जा रहा है, ए टू जेड वगैरह आपको वीडियो में इन्फॉर्मेशन मिलने वाला है। आपको आपका जो फिश आप चूज किए वो फिश आपका जा रहा है कि नहीं जा रहा है वगैरह, ए टू जेड सब दिखाने वाला है। आज कुछ कस्टमर लोग का मेरा माल जाने वाला है, तो दिखा लेते हैं वो फिशेस कैसे जाता है कैसे नहीं जाता है। तो वीडियो में प्लीज बने रहिएगा एंड पूरा वीडियो जरूर देखना। प्लीज इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना, ये मेरा रिक्वेस्ट है प्लीज। चलो देख लेते हैं कौन से फिशेस जा रहे हैं मेरे पास। तो इसमें देख सकते हो सिल्वर एरोना पहले दिखाया था ना कि 7 इंच इसमें सिल्वर एरोना है। तो और भी बाकी कौन सा फिशेस देख लेते हैं। ये फर्स्ट पैकेट है सिल्वर एरोना का, जो टैंक में देखे थे 7 इंच का वही जा रहा है इसमें। और भी देख लेते हैं कौन सा फिश है। देख सकते एक एक सिंगल एरोना है, इसका अप्रोक्स साइज है 5.5 इंच। ये हाई बैक एरोना है, जिसको पता होगा हाई बैक एरोना क्या है। इससे पहले हम वीडियो में दिखाएं और क्या है और कैसा दिखता है, इसके स्कैनिंग वीडियो भी हम दिखा देगा ये कैसे स्कैन वगैरह होता है नहीं होता है। तो चलो देख लेते हैं। जो हाई बैक देखा वो इसका सर्टिफिकेट है, नेक्स्ट कोई वीडियो में हम दिखाएगा इसका स्कैनिंग कैसे होता है। यहाँ पे देख सकते हो जो येलो किंग कॉन्ग पैरेट है, ये भी जाने वाला है 2 पीस इसमें से। तो इसका पैकेट का साइज देख सकते हो कितना बड़ा है, मतलब इतना बड़ा कि मेरा हम ही अंदर घुस जाएगा। तो ये जो 2 पीस है ये 2 पीस जाने वाला है। चलो पैकिंग स्टार्ट करते हैं। अब साइज देख सकते हो, मेरा हाथ में रखा हुआ है, फुल हाथ में भी नहीं आ रहा, इतना बड़ा है। इसका कलर और भी अच्छा लगे, ब्लैक येलो का ना ब्लैक स्पॉट है इसका फुल बॉडी में। तो चलो इसको पैकिंग करना स्टार्ट होता है। तो देख सकते हो फिश पैकेट में डल चुका है, पैकिंग हो गया इसका, ऊपर से मैं वीडियो बना रहा थोड़ा। यहाँ पे एल्बिनो एरोना है, एल्बिनो रेडर एरोना, पहले भी हम वीडियो में दिखाया था आप लोग को। तो ये भी आज 1 पीस जाने वाला है, तो इसको भी उठाने वाले हैं अभी। तो इसका पैकेट तो रेडी है, सेम साइज का जम्बो पैकेट भी इसका रेडी है, ठीक है। तो इसको भी पैकेट में डाल चुका है, इसका कलर देखो पूरा फुल येलो हो गया और टेल इसका हल्का रेडिश रेडिश आएगा। इसका अप्रोक्स साइज है 10 इंच, इसको भी पैक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितना पैकेट है देख सकते हो, यहाँ पे सब में एलिगेटर गार है, तुमको समझ में आ रहा होगा ये नॉर्मल एलिगेटर गार है। इसका अप्रोक्स 10 इंच का साइज है, सब में एलिगेटर गार है। तो इसका ही पैकिंग कर लेते हैं, अभी एंड पे पैकिंग का दिखाने वाला है एंड एकदम, ठीक है। ये सब छोटा मोटा जितना भी है सब दिखाना पॉसिबल नहीं हो रहा है कि हर एक फिश ऐसे दिखाना, तो लास्ट में एकदम मैं दिखाता है। तो आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे ये वाला बॉक्स रेडी हो चुका है, इन सब फिशेस पैकिंग है। अभी सेकेंड वाला बॉक्स है, इसमें आपका पैरेट वगैरह, एलिगेटर गार, जो भी वेराइटी था ना इसमें एरोना इसमें है। थर्ड ये बॉक्स, इसमें भी रॉयल नाइफ, एरोना, आपका गार एंड पैरेट इसमें भी है। तो अभी 3 बॉक्स पैकिंग हो चुका है, अभी नाइट टाइम है तो दिखाना भी प्रॉब्लम हो, दिखाने में प्रॉब्लम हो रहा है थोड़ा बहुत, बट देख सकते हो और फिशेस पैकिंग और पैकिंग डन हो गया, अभी गाड़ी का वेट कर। तो आप लोग देख चुके अकेला पैकिंग किया तो थक गया इसलिए, तो बाकी फिशेस सब पैक तो हो चुका है, ऑल डन। अभी सिर्फ उसको रैपिंग करना बाकी है और आपका टेम्पो लगाने का उसका वेट करना है। सिर्फ हम यही बोल रहे हैं कि आप लोग को कुछ भी जानकारी जानना है ना कि आपको शिपिंग वगैरह कैसे करना है, तो अभी ऐसा थर्मोकोल बॉक्स हम लोग का पैकिंग होता है, उसके बाद यहाँ से जाता है हावड़ा, या किसी को फ्लाइट से लेना है या किसी को ट्रेन से लेना है। ट्रेन से तो हावड़ा सियालदह बहुत स्टेशन है, जहाँ पे आपको जो भी जंक्शन स्टेशन है ना वहाँ तक आपका फिशेज वगैरह जाता है, वहाँ से आपको कलेक्ट करना पड़ता है। तो कलेक्ट करने का प्रोसीजर क्या होता है, यहाँ से जो रेलवे का बुकिंग होता है उसका एक बिल्टी वगैरह बॉक्स के अंदर जाता है, जो स्टेशन में जाता है वहाँ पे जो कस्टमर उसको कलेक्ट करने आएगा उसको पहले वो बॉक्स को देखना है, जाके हम जो बिल्टी है वो हम लोग कस्टमर को व्हाट्सअप करता है, व्हाट्सअप करने से वो बिल्टी जाके दिखाना है रेलवे को, कस्टमर को दिखाना है उसका स्टेशन में रेलवे को। रेलवे में दिखाने का बाद वो रेलवे का जो ऑफिसर वगैरह जो लोग है वो लोग निकाल के लेके आएगा एंड बॉक्स का अंदर जो बिल्टी रहेगा वो लोग वो ले लेगा एंड आपको बॉक्स आपको दे देगा। अभी कोई कोई कस्टमर तो भैया इतना हेडेक वाला काम है, अरे कुछ हेडेक वाला काम नहीं है, नॉर्मल इजी वाला काम है, आप एक बार कीजिएगा ना उसको समझ में आ ही जाएगा आपको। कोई कोई डरता है भैया आपको रेलवे को जाना पड़ेगा, वो पे झमेला ये वो, सर कुछ झमेला नहीं है, इजी ऐसा नॉर्मल प्रोसेस है, कोई ऐसा इजी झमेला है नहीं है। आपको जाएगा बॉक्स से आपका बिल्टी निकालेगा या किसी का बिल जो है, बिल्टी मतलब बिल की बात कर रहे हैं, जो बिल है
वो बॉक्स का बाहर भी चिपका हुआ रहता है, बाहर में चिपका हुआ रहने से क्या होता है बोतल में गिर जाते हैं, इसलिए हम लोग क्या करते हैं छेद करके बॉक्स में उसका डाल देता है। बोतल में बोलते भैया बिल नहीं मिल रहा, बिल नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं है बिल मिलेगा ही आप लोग को बॉक्स के अंदर, देखिएगा जो बॉक्स में छेद किया हुआ रहेगा उसका अंदर ही बॉक्स होगा, बॉक्स खोलिएगा स्टेशन पे, खोल के बॉक्स का अंदर से बिल निकाल के रेलवे को दीजिएगा, आपको बॉक्स आपको दे देगा। और एक बात है कि आप हमसे मच फिशेस खरीदो ऐसा बात नहीं है, आप और भी किसी से खरीद सकते हो, बट अभी फ्रॉड स्कैम बहुत ज़्यादा होता है, एक आदमी और किसी का फिशेस दिखा के पेमेंट ले लेता है, फिशेस नहीं भेजता है, ब्लॉक कर देता है, ऐसा बहुत होते रहता है अभी। तो कोई भी किसी के पास आप फिश खरीद रहे हो ना, तो उसके पास वीडियो कॉल करो, फिश देखो, आप बोलिए पैकिंग का टाइम हमको वीडियो चाहिए, वो भी देखो, ए टू जेड डिटेल्स हो उसका, फेसबुक पेज या फेसबुक प्रोफाइल में जाओ जाके उसको उसका देखो, उसका पोस्ट वगैरह थोड़ा देखो, उसका कमेंट्स वगैरह तो देखो, उसके बाद उसका ऑर्डर करो फिशेस। ऐसा बात नहीं है अब देखा फिश अच्छा लगा ऑर्डर कर दिया, अब तो आपको स्कैम हो ही सकता है, अभी बहुत ज़्यादा स्कैम हो गए। तो प्लीज़ इस चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, एंड किसी को कुछ भी फिशेस का रिक्वायरमेंट रहता है तो प्लीज़ वहाँ पे कमेंट करना, या नहीं तो हमको मेरा स्क्रीन में मेरा नंबर दिया रहा तो मैं डायरेक्ट कॉल कर सकता। तो आज इतना ही, चलो मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।